के 4.5 घंटे से आप सड़क पर हैं, तो कोई लंबा आपसे बात करने नहीं। यहाँ आपका आज पिछले 3-4 घंटे में आपका उत्साह देख के, आपका जोश देख के मेरा खून 2 किलोग्राम बढ़ गया। और यहाँ के आज पुराने चेहरे, बहुत सारे पुराने चेहरे 40 साल से 45 साल से, उनको भी देखा, दूर से देखा, ये मत छोटेगा नहीं देखा, दूर से देखा, उनको दूर से देख के मुझे अपनी जवानी भी याद आ गई। उनकी जवानी से तो मैं देख रहा था, पर आज मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मैं, मुझे याद है कि जीतू पटवारी की छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे, जब मैं भोपाल में कहता था 45 साल पहले दिन मैं छिंदवाड़ा का हूँ, मेरी तरफ देखते थे लोग, कौन सा छिंदवाड़ा, किधर है ये छिंदवाड़ा, कई कहते थे वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का नाम लोग पहचानते थे, नक्शे में एक छोटी सी बिंदी हुआ करती थी छिंदवाड़ा, और आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में, आप जहां भी जाए छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा कि छिंदवाड़ा की पहचान आ गई। ये ऐसा जिला था 45 साल 44 साल पहले, 2000 गांव का जिला, जहाँ केवल 480 गांव में बिजली थी। ये ऐसा जिला था जहाँ परासिया में किसी ने, बड़ी रेल लाइन तो थी नहीं छिंदवाड़ा में, पर परासिया तक क्या थी, उन्होंने केवल मालगाड़ी के अलावा कुछ देखा नहीं, वो भी एक छिंदवाड़ा था। आपको इन बच्चों ने वो पठानकोट नहीं देखा, जहां हम 2-3 घंटे पैदल जाते थे नीचे, वहां के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए आते थे और सीमित कपड़े पहनते थे, जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे, जो सीमित कपड़े पहनते थे, जहां सड़क नहीं थी, वहां के आज बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं, और वहां स्कूल है, क्लास सुविधा है, वो भी एक छिंदवाड़ा। यहाँ से ये सौसर वाले में देख रहा हूँ, सौसर एक बस्ती हुआ करती थी, बोरगांव कब आया, बोरगांव कब गया, किसी को पता नहीं था। सही बात है, यहाँ से नरसिंहपुर जाओ, हरनई कब आया, हरनई कब गया, पता नहीं चलता था। सही बात है, आप ही सबसे बड़े मेरे गवाह हैं, आप ही सबसे बड़े मेरे गवाह हैं। नौजवानों ने वो पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा, जहां 2000 गांव में से 480 गांव में बिजली थी, सड़कें नहीं थी, मैं जीप में घूमता था और डर लगता था कच्ची सड़कें घंटे वाली कि जीप पलट ना जाए, कहीं तो हम जीप से उतर जाते थे कि चलो 100 मीटर 200 मीटर पैदल चलते हैं, जीप पलट ना जाए। और जब वापस मैं पहुंचता था 1.5 किलो मिट्टी बदल में होती थी, वो भी एक छिंदवाड़ा, वो छिंदवाड़ा था। आपने तो आज का छिंदवाड़ा देखा है, इतने स्किल सेंटर, जीतू पटवारी जी, उमंग संगार जी, आप जानते हैं कितने स्किल सेंटर है। स्किल इंडिया का नारा तो बाद में आया, मैंने तो 2013 से ही शुरू कर दिए थे स्किल सेंटर। मुझे चिंता थी जो 8वीं और 9वीं क्लास पास किया हुआ है वो क्या घट्टे को देगा, मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, हजारों की संख्या में बच्चों को एडमिशन मिलता है। हमारा CII, हमारा ADDC, हमारा NIIT, ये सब आपके सामने, इसलिए मैं कहता हूँ आप ही मेरे सबसे बड़े गवाह। मैं बेंगलोर गया था इसी प्रकार की सभा में, पीछे से हाथ हिला रहा था, मैं तो पहचानता नहीं था, सभा के बाद सामने आया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, मैंने कहा बेंगलोर में क्या कर रहे हो,
कहता जेसीबी चलाता हूँ, आपने तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाई थी, मैं पूना जाता हूँ, मुझे छिंदवाड़ा के बच्चे मिलते हैं, मुझे चिंता थी नई पीढ़ी की, इसीलिए ये स्किल सेंटर बना। और मैं तो आज शिकायत भी करना चाहता हूँ, आप खुद इस स्किल सेंटर का नाम दें, आप बच्चे नहीं भेजते तो चुनाव के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप चुनाव की बात जरूर स्किल सेंटर देख तो आइए, देख आइए कि अपना छिंदवाड़ा में क्या है जो देश भर में नहीं है। बाहर से लोग आते हैं कहते हैं यार ये कैसे हो गया, आज ये सब गाड़ी के शोरूम जो है, जब मैं उनसे कहता था ये गाड़ियों के शोरूम खोलो हंसते थे मेरे ऊपर। जब मैंने हिंदुस्तान लीवर को कहा आप कारखाना लगाइए, यहाँ के बच्चों ने कभी कोई कारखाना नहीं देखा, तो हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन ने कहा, वो किसी मामले में फंसे हुए थे मिलने काम से आए थे, 80 की बात है, मैंने कहा छिंदवाड़ा में आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी तरफ ताकने लगे। तो मैंने पूछा आप क्यों देखते हैं, आप छिंदवाड़ा में कारखाना लगाइए, कहते छिंदवाड़ा है कहाँ, मैंने नक्शा मंगाया, देश के नक्शे में छिंदवाड़ा की एक डॉट भी नहीं थी। जब रेमंड की बात आई मैंने उनसे बात करी, वो बालाघाट में लगाने जा रहे थे, बालाघाट वाले माफ करेंगे मुझे, मैंने कहा आप छिंदवाड़ा आइए सब कुछ मैं करूंगा। मैं जीप में घूमता था और डर लगता था कच्ची सड़कें घटने वाली कि जीप पलट ना जाए, कहीं तो हम जीप से उतर जाते थे कि चलो 100 मीटर 200 मीटर पैदल चलते हैं, जीप पलट ना जाए। और जब वापस मैं पहुंचता था 1.5 किलो मिट्टी बदन में होती, वो भी एक छिंदवाड़ा, वो छिंदवाड़ा था। आपने तो आज का छिंदवाड़ा देखा है, इतने स्किल सेंटर, जीतू पटवारी जी, उमंग सरकार जी, आप जानते हैं कितने स्किल सेंटर है। स्किल इंडिया का नारा तो बाद में आया, मैंने तो 2013 से ही शुरू कर दिए थे स्किल सेंटर।